दो वीडियो हो गया। देखो दिख रहा है अभी, ये दिख रहा हाँ दिख रहा है। है। हाँ ठीक है, हमने रोलिंग फोर्जिंग तुमको बताया था, तो प्रेस फोर्जिंग में हम यूज कर रहे थे ओपन डाई, उसी को रोलिंग फोर्जिंग भी कहते हैं। मतलब उसको रोल कर करके अब वो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे तुमको बताया था कि व्हील होता है, दो टाइप के व्हील होते हैं, एक दोनों साइड से व्हील होता है और बीच में हम कंपोनेंट रखते हैं और उसी के थ्रू हम उसको शेप देते हैं। ये वाला हाँ, ये देखो ये रोलिंग फोर्जिंग है हमारा, ठीक है। रोलिंग फोर्जिंग में क्या होता है, दो व्हील होता है हमारा, दो व्हील के बीच में हम एक कंपोनेंट रखते हैं और उस कंपोनेंट को हमको जैसा शेप देना होता है, टेपर देना होता है, राउंडेड शेप देना होता है, कम डाया का, जैसे हम उस दिन बताए थे मैंड्रेल, मैंड्रेल का प्रोसेस, वैसा ही मैंड्रेल का प्रोसेस हम इसमें भी करते हैं कि हमको अगर टेपर चाहिए या डाया, डाया में थिकनेस कम ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हम रोलिंग प्रोसेस यूज करते हैं। रोलिंग प्रोसेस दो टाइप से होता है, या तो मैनुअली होता है या तो ऑटोमेटिक होता है। मैनुअली अगर करते हैं तो उसके लिए हमको डबल प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक करते हैं जब, तो वो ऑटोमेटिक उसको शेप देता है गोल। ये देखो हमारा ये रोलिंग प्रोसेस है। अब ये रोलिंग प्रोसेस जो है हम थ्रेड बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक रोलर है, एक ये रोलर है, उसके बीच में हम कोई कंपोनेंट डालते हैं जहां पे हमको थ्रेड चाहिए, जैसे हमारा नेट बोल्ट हुआ या हमारा शाफ्ट में आगे देखते होंगे कि हमारा थ्रेड बना होता है जहां पे हम गियर ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है हम इस रोलिंग फोर्जिंग के थ्रू क्रिएट करते हैं। ये हमने एक प्रोसेस बताया था जिसमें हम क्रैंकशाफ्ट बनाते हैं, क्रैंकशाफ्ट फुल रिंग एंड एजिंग, अभी हमने बताया था ना जो शेप था कनकेव और कन्वेक्स वाला, कनकेव और कन्वेक्स वाला शेप था, जिसमें हम एक 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 में होता है मटेरियल सेंटर में फ्लो होता है, एक में मटेरियल और डायरेक्शन में फ्लो होता है, वही प्रोसेस है ये क्रैंकशाफ्ट। अब ये देखो इसमें क्या हुआ, हमने मटेरियल जो क्रिएट किया ये ब्लैंक टाइप का मटेरियल है, ये ब्लैंक टाइप के मटेरियल को हमने एजिंग किया, मतलब उसको एज डिफाइन किया, उसका आउटर एज कैसा होना चाहिए, कॉर्नर शेप हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग प्रोसेस, अभी ब्लॉकिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्लॉकिंग प्रोसेस हम उसका एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, जैसे अपसेट डाई होता है, अपसेट डाई में हम एक प्रोसेस देते हैं, एक स्टेप देते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं हाइट और इंक्रीज करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको थोड़ा सा शेप देते हैं, उसके बाद फिनिश में डाल के उसको प्रॉपर शेप देते हैं, वही चीज है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग के बाद हम इसमें फिनिश में आते हैं, फिनिश में उसकी फोर्जिंग करते हैं, फोर्जिंग करने के बाद ये हमारा जो है ये फ्लैश एरिया जनरेट है, ये जो आउटर दिख रहा है ये हमारा फ्लैश है। फ्लैश के बाद इसको हम ट्रिमिंग करेंगे, ट्रिमिंग प्रोसेस करेंगे, जिससे हमारा ये प्रॉपर शेप हमको डिफाइन हो जाएगा और ये हमारा फ्लैश जो है ये कट हो जाएगा। और फ्लैश हमारा होता क्या है, द फ्लैश कोल्स मोर रैपिडली देन द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। हाँ फोर्जिंग क्या होता है, टू क्लोज डाई और फ्लैश लेस फोर्जिंग यूजेस पियर्सिंग वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू कंप्लीट फिल द डाई कैविटी, दैट मीन्स अगर हम कोई कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट
कंपोनेंट को एक डाई में रखते हैं जिसमें हमको फ्लैश जनरेट नहीं करना, फ्लैशलेस कंपोनेंट बनाना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक साइड से हमारा फ्लैशलेस जनरेट होता है, देखो 4G हमने किया तो इस साइड हमारा कोई फ्लैश जनरेट नहीं हुआ, वन साइड फ्लैशलेस हुआ और वन साइड हमारा फ्लैश जनरेट हुआ। इसी को कहते हैं पियर्सिंग फोर्जिंग टूल। इसमें क्या होता है, हमारा एक साइड फ्लैश जनरेट होता है और दूसरी साइड फ्लैश जनरेट नहीं होता, जिधर हमको एक्यूरेसी चाहिए होता है, जिधर हमको एक्यूरेसी चाहिए नहीं होता है उधर हम फ्लैश जनरेट करके उस साइड एक्स्ट्रा मटेरियल हम रिमूव करते हैं। जैसे क्रैंकशाफ्ट नहीं, कनेक्टिंग रॉड ही ले लेते हो, कनेक्टिंग रॉड लेते हो तो कनेक्टिंग रॉड में देखते हो आगे का शेप जो होता है सर्कुलर टाइप का होता है और नीचे का साइड होता है एक रॉड टाइप में होता है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड में। तो वो शेप जो होता है कि हमको एक साइड में जो सर्कुलर शेप होता है वो हमको प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए क्योंकि वहां पे हमको एक्यूरेसी जनरेट करनी होती है, लेकिन जो हमारा रॉड टाइप साइड होता है उसमें हमको एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है, तो हम उस टाइप फ्लैश जनरेट करेंगे उस साइड, और जिधर हमको एक्यूरेसी चाहिए जो हमारा सर्कुलर शेप है उधर हमको फ्लैश नहीं चाहिए, उधर हम पियर्स टाइप फोर्जिंग करेंगे। तो पियर्स टाइप फोर्जिंग में क्या होता, दैट मींस वन साइड इज क्लोजेस्ट एंड वन साइड इज फ्लैश जनरेटेड पार्ट, एक साइड हमारा क्लोज होगा और दूसरी साइड हमारा फ्लैश जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड पियर्स फोर्जिंग। अब जो हमने तुमको बताया था अंडर साइज ओवर साइज वाला, अंडर साइज ओवर साइज, देखो अंडर साइज ब्लैंक विल बी नॉट फिल द कैविटी, ओवर साइज ब्लैंक विल कॉज हाई प्रेशर एंड मे डैमेज द डाई। अब इसमें क्या होता है, अगर अंडर साइज होगा जो हम बाहर लेते हैं जिसका हमको फोर्जिंग कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो वो अगर अंडर साइज होगा, अंडर साइज मीन्स मतलब अंडर मटेरियल होगा, हमने कम मटेरियल बार जो है हमने कम मटेरियल वाला लिया है, तो उसको जब हम फोर्जिंग करेंगे तो मे भी वो प्रॉपर शेप नहीं लेगा, कहीं पे हमारा मटेरियल छूट जाएगा और वो हमारा शेप क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो हमारे में वो फिल कैविटी प्रॉपर नहीं होगी, विल नॉट फिल द कैविटी प्रॉपरली, दैट मीन्स। और ओवर साइज ब्लैंक जब लेंगे हम, तो ओवर साइज में अगर हमारा मान लो ज्यादा ओवर साइज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जब ओवर साइज होता है तो हमने प्रॉपर उसको एक हाइट मेंटेन की होती है, शट हाइट जिसको कहते हैं, जो टूल होता है हमारा क्रश टूल, जो फोर्जिंग डाई को प्रेस करेगा तो उसको हम एक शट हाइट दिए होते हैं। शट हाइट में हमारा क्या होता है कि जब हम उसको प्रेस करते हैं तो प्रॉपर उसी हाइट पे जाके क्लोज होता है और वहीं से वापस आ जाता है, लेकिन अगर हमारा ओवर साइज आ जाता है, ओवर साइज मटेरियल, तो वो थिकनेस ज्यादा जनरेट कर देगा, थिकनेस ज्यादा जनरेट करेगा तो शट हाइट जो होता है, शट हाइट थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, मतलब गैप जो होता है ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उससे उससे क्या होता है, मटेरियल डाई जो होता है डैमेज होने का चांस होता है, क्यों, क्योंकि इस पर प्रेशर तो कम, प्रेस जो है पूरा प्रॉपर उतना ही डालेगा जितना हमने शट हाइट दिया है, लेकिन कंपोनेंट हमारा ज्यादा होने की वजह से वो उसको उधर से रोकेगा, तो बीच में हमारा जो डाई होता है, इन दोनों के बीच में जो वर्क कर रहा है कंपोनेंट और प्रेस मशीन के बीच में, डाई जो होता है मे भी चांसेस रहता है डैमेज होने का, और इस डैमेज में सबसे ज्यादा हमारा डैमेज होता है कॉर्नर एज, डाई का कॉर्नर एज डैमेज होने का ज्यादा चांस रहता है, इसलिए हम वहां पे रेडियस डिफाइन करते हैं, और इस कारण से हम ओवर साइज ब्लैंक मटेरियल जो होता है प्रॉपर कैलकुलेट करके देते हैं, कैलकुलेशन भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, जब ये हम डिजाइनिंग पढ़ेंगे, डिजाइनिंग प्रोसेस, डाई डिजाइन प्रोसेस पढ़ेंगे, तब हम उसमें बताएंगे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमको प्रॉपर वही मटेरियल चाहिए उतनी वेट का, ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट देखो, रिड्यूस द नंबर ऑफ एडिशनल ऑपरेशंस एंड वेस्टेड मटेरियल। पियर्स फोर्जिंग में क्या होता है, पियर्स फोर्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो एडिशनल प्रोसेस होता है, अभी हमने इसमें बताया ना इस साइड फ्लैश जनरेट नहीं हो रहा है, एक साइड हमारा फ्लैश जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमको उधर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, कौन सा प्रोसेस, हमने ट्रिमिंग प्रोसेस दिखाया था ना
ट्रेनिंग प्रोसेस कर रहे थे, तो उधर हम ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक साइड का प्रोसेस हमारा सेव हो जाएगा, केवल हमको एक साइड प्रोसेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, हमारा एडिशनल ऑपरेशन जो है, ट्रेनिंग जो है हमारा एडिशनल ऑपरेशन हुआ ना, तो वो हमारा जो होगा सेव हो जाएगा, और वेस्टेज मटेरियल भी कम होगा। क्यों कम होगा, देखो इधर हमारा फ्लैश जनरेट नहीं हो रहा, इधर जनरेट नहीं हो रहा तो हमारा इधर से कोई मटेरियल कट नहीं होगा, केवल इस साइड से कट होगा, तो हमारा इधर का जो फ्लैश होगा वो हमारा सेव हो गया, क्योंकि हमने उधर फ्लैश जनरेट नहीं किया, केवल इधर हमने जनरेट किया, तो हमारा केवल इस एक साइड का फ्लैश कट होगा, और एक साइड हमारा फ्लैश ही नहीं है, तो उधर से मटेरियल हमारा सेव हो जाएगा। तो वही डिफाइन किया है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ एडिशन ऑपरेशन, एडिशनल ऑपरेशन एंड वेस्टेड मटेरियल। फ्लैश जो होता है हमारा वेस्टेड मटेरियल होता है, जो हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद कट करने के बाद उसको स्क्रैप डाल देते हैं। नियर नेट शेप फोर्जिंग और नेट शेप, हमने अभी तुमको बताया था, जब क्रैंक शाफ्ट हमको बनाना होता है, एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे कि हमारा जो सर्कुलर पार्ट होता है कनेक्टिंग रॉड को जो सर्कुलर पार्ट होता है और एक रॉड पार्ट होता है, तो सर्कुलर पार्ट में हमको एक्यूरेसी चाहिए होती है ना, तो एक्यूरेसी के कारण ही ये जो है ये एग्जैक्ट शेप देता है। नेट शेप फोर्जिंग मीन्स अगर हमको यहाँ पे चाहिए हमारा कनेक्टिंग रॉड का सर्कुलर शेप, तो यहाँ पे हम फ्लैश जनरेट नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारा ये प्रॉपर डाई, जब हम फ्लैश जनरेट नहीं करवाना चाहते हैं तो हमको डाई की एक्यूरेसी हाई करनी होती है, और अगर डाई की एक्यूरेसी हाई होगी तो ऑब्वियसली हमारा कंपोनेंट भी एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि नियर नेट शेप फोर्जिंग मतलब नेट शेप, उस साइड का हमारा शेप जो होगा एग्जैक्ट होगा। अब हम आते हैं इंप्रेशन डाई फोर्जिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डाई इंसर्ट। डाई इंसर्ट हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज डाई इंसर्ट, डाई इंसर्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि जब हम कोई भी मेंटेनेंस वर्क करें तो हमको पूरा डाई निकालने की जरूरत ना पड़े या पूरा टूल निकालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारा कोई भी कंपोनेंट बनेगा वो डाई के शेप में बनेगा, हमारा टॉप प्लेट बॉटम प्लेट या डाई या इजेक्टर प्लेट ये तो क्रिएट करेगा नहीं, हमने जहां पे इंप्रेशन डिफाइन किया है। हेलो, हमने जहां पे इंप्रेशन डिफाइन किया है, फिर इंसर्ट का कॉन्सेप्ट बैक कनेक्शन लॉस्ट हो गया था क्या, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर, इंसर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वहां से एक बार फिर से स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, इंसर्ट का ये हमारा डाई इंसर्ट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्यों, क्योंकि इससे हम अपने कंपनी का जो है काफी फायदा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जब हम कोई भी चीज वो काम करें कि कंपनी को प्रॉफिट हो, तो ऑब्वियसली वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रखती है। और डाई इंसर्ट हम क्यों यूज करते हैं, डाई इंसर्ट हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो डाई है वो स्क्रैप ना हो, वो डैमेज ना हो, अगर ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो हमको पूरा डाई स्क्रैप करना पड़ेगा, लेकिन डाई इंसर्ट करने का, डाई इंसर्ट लगाने का मतलब है हम पूरा डाई मेंटेनेंस नहीं करेंगे, केवल डाई में से डाई इंसर्ट निकाल लेंगे और उसको मेंटेनेंस करेंगे, या फिर अगर उसको स्क्रैप करना होगा उसको स्क्रैप करके नया डाई इंसर्ट क्रिएट करके डाई में फिट कर देंगे, और उसके थ्रू हम फिर से मटेरियल मतलब फोर्जिंग प्रोसेस करेंगे। तो डाई इंसर्ट जो होता है ये हमारा डाई इंसर्ट है, देखो ये पूरा डाई है हमारा, ये पूरा डाई है, लेकिन डाई में भी हम डाई इंसर्ट लगाए ताकि हमको डाई में मेंटेनेंस ना करना पड़े। ठीक है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे कॉस्ट जो है कॉस्ट पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि हम अगर कॉस्ट वैल्यू हम कस्टमर को जो है पहले से डिफाइन करके देते हैं
ना, जो हम कोटेशन भेजते हैं तो उसमें हम हमारा ये सब डिफाइन किया रहता है कि अगर मे भी चांसेस रहता है कि हमारा टूल डैमेज हो जाए, इतना टाइम लाइफ डिफाइन करते हैं टूल टाइम लाइफ, तो उसमें मे भी चांसेस रहता है कि हमारा अगर टूल अगर डैमेज हो जाता है तो उसका रीप्रोसेस हम करेंगे, तो उसके लिए भी इंक्लूड रहता है। लेकिन अगर हमारा उसको सेव करना है, हम इंक्लूड तो कर दिए लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कैसे होगा? कंपनी इंक्लूड करता है पूरा डाई का, लेकिन हम लोग कंपनी का प्रॉफिट कैसे करते हैं कि पूरे डाई को ना लगा के डाई में एक इंसर्ट लगाते हैं, ताकि अगर हम कोई मेंटेनेंस करें, कोई मॉडिफिकेशन करें, तो केवल डाई में हम करें, बाकी हमारा पूरा डाई जो है, डाई इंसर्ट को रिमूव करके डाई हमारा एज इट इज रहे, डाई इंसर्ट हम नया लगा दें। मे भी मान लो हमारा दो कंपोनेंट है, कोई दो कंपोनेंट हमको बनाना है, एक का साइज थोड़ा सा 19-20 है, एक का साइज है 20, दूसरे का साइज है 19, तो इसका मतलब हमको दो डाई क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर दो डाई क्रिएट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, डाई हम एक ही क्रिएट करेंगे लेकिन उसमें डाई इंसर्ट दो क्रिएट कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट भी कम लगेगा और मेंटेनेंस भी हमारा बचेगा, इसलिए हम डाई इंसर्ट यूज करते हैं। अब डाई ऑर्बिटल प्रोसेस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोस्टली यूज नहीं होता है, ये यूज वहां पे होता है जैसे हमको कोई इरेटिक शेप चाहिए, ऊपर में राउंडेड शेप या डेप्थ शेप में चाहिए, थोड़ी कैविटी शेप में हल्का सा, या ऊपर में राउंडेड शेप में चाहिए, तो उसमें हम क्या कहते हैं, वो उसका जो वो होता है कैविटी ऊपर की, वो ये ओपन डाई टाइप की होती है, क्लोज डाई टाइप की नहीं होती, या इसमें इंप्रेशन नहीं होता है, इसको हम केवल रोटेशन डिफाइन करते हैं, ऑर्बिटल रोटेशन। ऑर्बिटल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऑर्बिट टाइप का रोटेट करता है, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ रोटेट करता है एक सेंटर, सन हमारा सेंटर है, सेंटर के चारों तरफ अर्थ रोटेट करता है, तो उसको एक ऑर्बिट हुआ सन का, तो वैसे ही इसका नाम दिया गया है ऑर्बिटल फोर्जिंग, ऑर्बिटल और स्पाइरल। देखो इसका यूज कहाँ पे होता है, जब हमको ऊपर का शेप ऐसे चाहिए, ये हम वहां पे यूज करेंगे, वैसे नॉर्मली यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो हम मिलिंग मशीनिंग के थ्रू ही कर लेते हैं वैसे, और अगर वैसे करना चाहे अगर हम फोर्जिंग के लिए, तो वॉल्व जो होता है एग्जॉस्ट वॉल्व, इनलेट वॉल्व इंजन का, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका शेप जो होता है जस्ट लाइक ऐसा होता है। रोटरी सैगिंग किस लिए यूज करते हैं? रोटरी सैगिंग वैसे मोस्टली यूज होता है हमारे टेपर शेप के लिए, जैसे शाफ्ट होता है, शाफ्ट में हमको कहीं टेपर देना होता है, एक जगह डायल मैक्सिमम होता है, एक जगह कम होता है, और वो जो कम होता है और ज्यादा होता है उसके बीच में टेपर पोर्शन होता है, तो टेपर पोर्शन डिफाइन करने के लिए हम सैगिंग फोर्जिंग टूल यूज करते हैं, सैगिंग फोर्जिंग टूल। बट ये हाई इंडस्ट्रियल इलाके में यूज होता है, जैसे हमारा हमारा जो होता है, जैसे मान लो शिप है, हमारा शिप है, शिप में जो है हमारा जो शाफ्ट लगता है वो बहुत हैवी होता है, उसके लिए हम मशीनिंग अगर टेपर के लिए करने चलेंगे तो बहुत टाइम लेगा, तो उसको हम क्या करते हैं फोर्जिंग के थ्रू पहले टेपर डिफाइन कर देते हैं, ताकि हम जब उसपे मशीनिंग प्रोसेस करें तो इजिली हम मिनिमम टाइम में हम उसको प्रॉपर शेप दे सकें, इसलिए हम हाई इंडस्ट्रियल इलाके में जहाँ पे हमारा हैवी वर्क होता है वहां पे हम ये यूज करते हैं स्वैगिंग फोर्जिंग टूल। क्वाइनिंग टूल फोर्जिंग में डिफाइन नहीं रहता है ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट होता है प्रेस टूल में, क्वाइनिंग टूल भी हम बता देते हैं। क्वाइनिंग टूल क्या होता है, एक क्वाइन टाइप में क्रिएट करता है, ये क्या करता है, जैसे ए, ए, सिक्का होता है, पैसा 1 रुपया 2 रुपए है ना, वो क्वाइन टाइप का क्रिएट करता है, एक क्वाइन टाइप का, एक कंपोनेंट में से क्वाइन टाइप का कट करके निकालता है, जैसे पियर्सिंग होता है, पियर्सिंग जस्ट लाइक पियर्सिंग होता है क्वाइनिंग भी, क्वाइनिंग प्रोसेस।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमको ये जानना है कि इम्प्रेशन डाई और क्लोज डाई में अंतर क्या होता है। ठीक है, इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग में अंतर क्या होता है। इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई में अंतर केवल एक होता है कि इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग में जो होता है हम इरेटिक शेप डिफाइन करते हैं, जो ज्यादा क्रिटिकल शेप होता है वो इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग में होता है। क्लोज डाई फोर्जिंग हमारा एक बॉक्स भी हो सकता है ना, केवल एक बॉक्स हो सकता है जैसे एक बकेट टाइप का, और या फिर उसमें शेप भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग हम तब यूज करते हैं, उस डाई को कहते हैं जिसमें हम इरेटिक शेप डिफाइन किए होते हैं, उसको हम इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग करते हैं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसमें ये हमारा क्लोजिंग डाई है, इसमें भी कैविटी क्रिएट है, इसमें भी कैविटी क्रिएट है, बट इसमें इसमें अंतर क्या है, इसमें एक सिंपल सा कैविटी क्रिएट है और इसमें स्टेप बाय स्टेप कैविटी क्रिएट है। इसमें फ्लैश टॉप साइड देखो और बॉटम साइड देखो, दो स्टेप में इंप्रेशन डिफाइन किया गया है, और इसमें सिंपल सा एक टाइप में, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लोज डाई में क्या होता है, हम इरेटिक शेप डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर इरेटिक शेप अगर उसमें हम डिफाइन करते हैं तो इम्प्रेशन डाई में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर क्लोज डाई हम जब केवल बकेट टाइप का शेप डिफाइन करते हैं, केवल एक डेप टाइप का, तो उसको कहते हैं हम क्लोजिंग डाई। लेकिन अगर उसी में हम इम्प्रेशन डिफाइन कर दें इरेटिक शेप, तो वो आ जाता है इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। ये जो हम तुमको बताए थे एजिंग, एजिंग प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, मटेरियल जो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है सेंटर की ओर। ठीक है, मटेरियल जो हो रहा है सेंटर की ओर, एंड ऑफ द बार आर शेप टू रिक्वायरमेंट यूजिंग एजिंग डाई। जब हमको ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा जो मटेरियल हो वो सेंटर में ज्यादा थिकनेस का हो और साइड में कम थिकनेस का हो, ऊपर से ओवल शेप में हो, मतलब सर थोड़ा पैराबोलिक शेप में हो, तब हम एजिंग शेप यूज करते हैं, एजिंग प्रोसेस। और फोल्डिंग प्रोसेस तब यूज करते हैं जब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वर्क रिड्यूस एज मटेरियल फ्लो आउटवर्ड अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से मटेरियल जो हो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो। देखे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेंटर में फ्लो नहीं हो रहा है, सेंटर में हम उसको कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं और एक ओवल शेप दे रहे हैं, पैराबोलिक शेप दे रहे हैं। लेकिन मटेरियल कहाँ फ्लो हो रहा है, आउटसाइड में, तब हम यूज करते हैं फोल्डिंग प्रोसेस। ये और स्ट्राइकिंग, हमने तुमको बताया था वो जब रोलिंग प्रोसेस करते हैं तो शाफ्ट को क्या मैनुअली घुमा घुमा के प्रेस मशीन के थ्रू प्रेस प्रोसेस में गोल करते हैं, सर्कुलर शेप मिलाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सर्कुलर ना आके फिर हम उसको एक कैविटी रूप में प्रॉपर शेप देने के लिए एक कैविटी डिफाइन करते हैं, सर्कुलर शेप कैविटी डाई, उसी को हम कहते हैं स्वैगिंग। ये देखो स्वैगिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार इज रिड्यूस यूजिंग कनकेव डाइस। जब हम उसको शेप में डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो हमारा इरेटिक शेप हो, हम प्रॉपर उसको डिफाइन नहीं कर पाए, तो हम उसके लिए एक डाई डिफाइन करते हैं, या तो सर्कुलर शेप में होगा या तो कनकेव शेप में होगा, कनकेव और सर्कुलर दो ही शेप में रहेगा, तो वो होगा स्वैगिंग डाई। स्वैगिंग डाई ताकि हम उसका जो शेप हो या तो कनकेव शेप में दें या तो सर्कुलर शेप में, प्रॉपर सर्कुलर शेप में, उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्वैगिंग। अब एक चीज है, लैपटॉप तुम्हारा लैपटॉप में ऑटो कैड है, लैपटॉप
लैपटॉप में ऑटो कैड है, तो हम एक डायग्राम तुमको शेयर करेंगे, ठीक है? डायग्राम हम तुमको शेयर करेंगे, उसको एग्जैक्ट ऑटो कैड पे बनाना। ऑटो कैड पे बनाने के बाद उसको जो हम चार्ट बोले थे, चार्ट में बनाना विद कैलकुलेशन के साथ, मतलब डायमेंशन के साथ, थिकनेस जो जो हम डिफाइन किए होंगे, थिकनेस फिटनेस वो डिफाइन करना। उसके बाद तुमको उसी में पता चलेगा जो डाई हमारा होता है, और डाई इंसर्ट हम वो भी देंगे, डाई और डाई इंसर्ट उसमें दिया रहेगा, तो उसमें तब तुमको पता चलेगा डाई इंसर्ट का क्या काम है और डाई का क्या काम है, ठीक है? अभी हम एक ड्राइंग भेजेंगे, लेकिन उसकी तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हम उसी में क्या करेंगे, डाई चेंज करेंगे, ओपन डाई लगाएंगे। टूल हमारा एक ही रहता है, फोर्जिंग टूल, उसी में हम क्या करते हैं, ओपन डाई क्रिएट करते हैं, क्लोज डाई क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब बस अंतर क्या होता है उसमें, हमारा प्रेस मशीन जो होता है, मशीन फोर्जिंग प्रेस मशीन जो होता है वो अलग अलग रहता है। वो हमारा मैकेनिकल प्रेस मशीन भी हो सकता है, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन भी हो सकता है ना, या तो फिर हमारा पुली पुल रोल क्या कहते हैं उसको, रोलर पुली प्रेस मशीन भी हो सकता है, या फिर हमारा कनेक्टर कनेक्टिंग रॉड, नहीं रुको बताते हैं, बहुत टाइप के प्रोसेस प्रेस मशीन होते हैं। हाँ, हैमर प्रेस मशीन होता है, मैकेनिकल प्रेस मशीन होता है, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होता है ना, कनेक्टिंग रॉड प्रेस मशीन होता है, उसके बाद हमारा ये रोलर मशीन होता है, पुलिंग प्रेस मशीन होता है, उसके बाद हमारा और कौन कौन सा है, ये हाँ नकल ज्वाइंट जो होता है, नकल ज्वाइंट जानते हो? नकल ज्वाइंट में क्या होता है, ऐसे नहीं समझ में, हम तुमको शेयर करते हैं। नकल ज्वाइंट में दो ज्वाइंट होता है, दो ज्वाइंट रॉड होते हैं, दो ज्वाइंट जो होते हैं ऐसे वर्क करते हैं, सेम लाइक दैट ऐसे ही वर्क करते हैं। जब ओपन करना होता है तो ऐसे वर्क होगा, और जब क्लोज करना होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे, और ये जो है हम ये हाइट डिफाइन करते हैं, इसी को कहते हैं, ये जो ये है ये शट हाइट डिफाइन होता है, इसके थ्रू ये शट हाइट डिफाइन होता है, जैसे हम तुमको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं? ये हमारा नकल ज्वाइंट है और ये हमारा स्क्रू ज्वाइंट है। नकल ज्वाइंट जो है, ये जो है एक रॉड इधर गया है, एक रॉड इधर गया है, यही हमारा फोल्ड होता है, ओपन होता है, फोल्ड होता है, ओपन होता है। जब फोल्ड होता है तो रैम ऊपर आ जाता है, जब ओपन होता है मतलब पूरा स्ट्रेट हो जाता है, तो रैम हमारा नीचे आता है, मतलब प्रेस करता है, ठीक है? और भी बहुत सारे मशीन है, और इन्हीं सब मशीनों को प्रेशर के थ्रू डिफाइन किए हैं, 5 किलोवाट है ना, कितना प्रेशर देना है, 4000, 400, 200, कितने किलोवाट का वो डिफाइन रहता है। वो चार्ट हम तुमको जब डिजाइन प्रोसेस बताएंगे तो उस समय हम तुमको दे देंगे चार्ट मशीन का, कैसे हम मशीन सिलेक्शन करते हैं। ठीक है,